नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 2 सितंबर, तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों के बारे में आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या बढ़कर 1,38,265 तक पहुंच गई है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,928 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 704 तक पहुँच गई है। राज्य में अब तक 1,19,572 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में 2,267 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं बिहार कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने में अब अव्वल स्थान प्राप्त किया है। 7 प्रमुख राज्यों की तुलना में बिहार में सबसे कम संक्रमण दर पाया जा रहा है। जी हां, बिहार कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने वाले राज्यों में अव्वल हो गया है। 7 प्रमुख राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में अब भी संक्रमण की दर बिहार से ज़्यादा है। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ प्रति 10 लाख पर जाँच की संख्या थोड़ी अधिक है। हालांकि कुछ राज्य में बिहार से भी नीचे है, लेकिन वहां संक्रमण की दर बहुत अधिक है। अगली बड़ी खबर, जीतन राम मांझी की एनडीए में वापसी को लेकर अभी अटक गई है। विधान परिषद की एक सीट को लेकर बात चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की एनडीए में वापसी अटक गई है। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद की एक सीट को लेकर बात चल रही है। बताया जा रहा है कि मांझी 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद की सीट चाहते हैं। जदयू विधानसभा की 9 सीट देने को तैयार है, लेकिन विधान परिषद की एक सीट को लेकर मामला अटका है। आपको बता दें, पिछले दिनों मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसमें उन्होंने खुद के लिए विधान परिषद की एक सीट मांगी थी। अगली खबर, कांग्रेस की पहली वर्चुअल रैली अब टल गई है। अब 4 सितंबर से बिहार चुनाव को लेकर अलग अलग मुद्दों पर रैली की जाएगी। मंगलवार को होने वाली कांग्रेस की पहली वर्चुअल रैली टाल दी गई है। पार्टी ने अब 4 सितंबर से बिहार चुनाव को लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर रैली की प्लानिंग की है। सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद देश भर में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसी के चलते कांग्रेस ने 3 दिनों तक रैली को स्थगित कर दिया है। 3 को होने वाली पार्टी की बैठक भी टल गई है। 3 सितंबर को होने वाली बिहार कांग्रेस की बैठक को भी टाल दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अकील अहमद बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक करने वाले थे। वहीं दूसरी ओर जदयू का भी वर्चुअल रैली एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। जदयू को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली की तैयारी के लिए एक दिन और समय मिल गया है। 6 सितंबर को होने वाली रैली अब 7 सितंबर को होगी। पार्टी ने ऐप लॉन्च के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अब सीधे 7 सितंबर को रैली होगी। पार्टी ने यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद घोषित 6 दिन के राष्ट्रीय शोक के चलते किया है। बिहार के 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक सम्मान मिलने जा रहा है। 5 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री करेंगे सभी शिक्षकों को सम्मानित। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर वर्ष 2019 के लिए 20 शिक्षक व शिक्षिकाओं को राजकीय शिक्षक सम्मान मिलेगा। इसमें 10 प्रारंभिक और 10 उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूल के शिक्षक शामिल है। इसमें 8 शिक्षिकाएँ भी हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सोमवार को सम्मानित के लिए चयनित शिक्षिका और शिक्षिकाओं के नाम की घोषणा कर दी। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, सुपौल, कटिहार व मधुबनी के 2-2 शिक्षक शामिल हैं। कोरोना के कारण शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल कार्यक्रम में इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। राजधानी पटना में घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमत में वृद्धि कर दी गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 1 रुपये और व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में 1.5 रुपये की वृद्धि की गई है। बढ़े हुए दाम
कल यानी 1 सितंबर से लागू कर दी गई है। बता दें कि अब से घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 692 रुपए और 50 पैसे, व्यावसायिक गैस सिलेंडर के लिए 1326 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि अगस्त के ही जैसे सितंबर में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 594 रुपए ही है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुंबई में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस का सिलेंडर की कीमत 594 रुपए है, जबकि चेन्नई में 610 रुपए और कोलकाता में 620 रुपए प्रति सिलेंडर है। अगली बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। अगले 3 साल तक बीएसएफबी का अध्यक्ष बने रहेंगे आईएएस आनंद किशोर। बिहार सरकार ने जारी की अधिसूचना। 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आनंद किशोर को सरकार ने अगले 3 सालों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बिहार सरकार की ओर से उनकी नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने बीएसईबी की कमेटी का भी गठन किया है, जिसमें 8 लोगों को जगह मिली है। आपको बता दें कि 25 सितंबर से उनके नए कार्यकाल की शुरुआत होगी। इस पद पर वह 2023 तक बने रहेंगे। अगली खबर सिवान से सामने आ रही है। सिवान के डीएम को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। उसके साथ ही एक और अफसर की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। बिहार के वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार में एक और जिलाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके अलावा एक डॉक्टर और अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें हड़कंप मच गया है। जिला अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है। इनके साथ सदर अस्पताल के डॉक्टर अनिल कुमार और बाल संरक्षण अधिकारी अनिमेश कुमार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अगली खबर पटना से सामने आ रही है। पटना में बीएमपी में एक महिला और पुरुष कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली है, जिसके बाद पूरे बीएमपी में अफरा तफरी का माहौल मच गया। बीएमपी 1 में एक महिला और पुरुष पुलिस कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। मामला एयरपोर्ट थाना इलाके के बीएमपी 1 कैंपस की है, जहां मंगलवार को 2 कांस्टेबल ने गोली मार लिया है। एक साथ 2 कांस्टेबल की गोली जाने की जानकारी मिलने के बाद ही मौके पर हड़कंप मच गया है। वही दूसरी ओर बड़ी खबर ये सामने आ रही कि परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स के लिए खुले रहेंगे होटल और लॉज। आज से चलेंगे स्पेशल ट्रेनें। जेई नीट और एनडीए सहित दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सरकारी स्तर पर पुख्ता तैयारी की जा रही है, ताकि परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसी वजह से मंगलवार को पटना के डिविजनल कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने रेंज आईजी संजय सिंह ने एक रिव्यू मीटिंग की, जिसमें डीएम कुमार रवि, एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा, ट्रैफिक एसएसपी अमरेक कुमार शामिल थे। दूसरे जिलों से पटना आकर परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स को ठहरने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए राजधानी के हर एक थाना स्तर पर लॉज और होटल को खोलने का आदेश दिया गया है। बिहार में परीक्षा देने वाले कैंडिडेट की संख्या काफी अधिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को राज्य सरकार के स्तर पर एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी, जिसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे से इंटर डिस्ट्रिक्ट और लोकल ट्रेनें चलाने की अनुशंसा की गई थी। अब रेलवे ने राज्य सरकार की अनुशंसा को मान लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लोकल ट्रेनों की लिस्ट मिल जाएगी। बिहार में शिक्षक नियुक्ति में अब नहीं होगा फर्जीवाड़ा। किए गए 2 अहम बदलाव। अब नियुक्ति पत्र पर फोटो भी होगा। एक ही व्यक्ति अब कई जगह शिक्षक नियुक्ति होकर वेतन नहीं उठा सकते हैं। राज्य सरकार व शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कारगर व्यवस्था की है। इन सबके साथ यह कोई आपराधिक छवि या व्यक्ति सरकारी विद्यालय में शिक्षक नहीं बन पाएगा। शिक्षा विभाग ने पंचायत और प्रखंड प्रारंभिक तथा जिला परिषद और नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए लागू 4 नियोजन नियमावली में 2 बिंदुओं को महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद 30 दिनों का समय योगदान दिया जाएगा। अगर कोई शिक्षक ज्वाइन नहीं करता है तो दूसरे व्यक्ति को उसमें नियुक्ति पत्र जारी की जाएगी। इसके अलावा अब बिहार के निवासी ही बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। बीपीएससी ने दारोगा बहाली की लिखित परीक्षा की तारीख को
तय कर दी है। बिहार के 13 जिलों में बनाया गया है सेंटर। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा बहाली की लिखित परीक्षा की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा कोरोना महामारी के चलते पहले दो बार स्थगित हो चुकी है। आयोग ने लिखित परीक्षा की तारीख को घोषणा करते हुए बताया कि 11 अक्टूबर को दारोगा की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए राज्य भर में 13 जिलों में सेंटर बनाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सोमवार को बड़ी बात का पता चला है। ड्रग एंगल सामने आने के बाद ही रिया और उनके भाई सवालों के घेरे में आ गए हैं। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस मामले को काफी गंभीरता से जांच करने में जुट गई है। एनसीबी ने सोमवार को मुंबई में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों से पूछताछ में रिया और उनके भाई से सीधा कनेक्शन पाया गया है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रिया के माता पिता से सीबीआई ने 8 घंटे में 15 सवाल पूछे हैं। ईडी ने ड्रग्स में आर्या से भी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि कल फिर सीबीआई माता पिता को पूछताछ के लिए बुला सकती है। ड्रग्स एंगल की जांच सीबीआई के साथ ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी कर रहा है। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बिहारी मीडिया।